नमस्कार, राधा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको नमक पारे बनाना सिखाएंगे। इस दिवाली इस नमक पारे को आप जरूर ट्राई करिएगा, यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। इस दिवाली जब आप मिठाई खा के बोर हो जाएं, तो इस नमक पारे को ट्राई कर लीजिएगा, यह आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए नमक पारे बनाते हैं। नमक पारे बनाने के लिए मैंने लिया है मैदा, वनस्पति घी, नमक, अजवाइन। आपको जितना नमक पारे बनाना है उसके हिसाब से सामग्री लीजिए। तो चलिए नमक पारे बनाते हैं। अब सबसे पहले एक पैन गर्म करेंगे, उसमें डालेंगे ये घी और घी को मेल्ट कर लेंगे और एक साइड थोड़ा सा पानी गुनगुना करेंगे मैदे से डो तैयार करने के लिए। अब घी भी मेल्ट हो गया है और पानी भी गुनगुना हो गया है। तो चलिए अब नमक पारे बनाते हैं। अब लेंगे एक बोल और उसमें डालेंगे ये मैदा, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और ये आधा चम्मच अजवाइन क्रश किया हुआ, और अब डाल देंगे इसमें ये घी। अगर आप 100 ग्राम मैदा ले रहे हैं तो 25 ग्राम घी डालिए, आपके नमक पारे बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। और घी गर्म है इसलिए पहले इसको चम्मच से मिलाएंगे। और अब हाथ से इस तरह से मिलाएंगे। घी के साथ सारी सामग्री को अच्छे से मिला लिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट मोयन है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो तैयार करेंगे। डो न तो बहुत ज्यादा मुलायम होगा और न तो बहुत ज्यादा सख्त। डो बनाकर तैयार कर लिया है, अब हम इसको ढक देंगे और 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अब लगभग 15 मिनट हो चुका है, अब हम एक बार इस डो को फिर से मसला लेंगे इस तरह से, और अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और इसको ढक देंगे और इसको इस तरह से मसल मसल कर उसका गोला बनाएंगे। डो को अच्छे से मसल कर गोल लोई बना लिया है, अब हम इसको बेलेंगे। इसको न तो बहुत मोटा रखना है और न बहुत पतला। एक बड़ी सी और मोटी रोटी बनाकर तैयार कर ली है, अब हम नमक पारे काटेंगे। इस तरह से पतली पतली पट्टी काटते जाइए। अब इस तरह से आप देख सकते हैं नमक पारे बन गए हैं, अब हम इनको फ्राई करेंगे। नमक पारे को फ्राई करने के लिए मैंने तेल गरम कर लिया है, अब तेल को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं तेल बिल्कुल परफेक्ट गर्म है, अब हम इसमें नमक पारे को डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। नमक पारे को फ्राई करते समय अपने गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे।
नमक पारे को मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर, नमक पारा फ्राई हो गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। और बाकी नमक पारों को भी सेम तरीके से फ्राई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं नमक पारे बनकर तैयार हैं। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस नमक पारे को इस दिवाली जरूर ट्राई करिए।